बढ़िया लाइन ऑर्डर जो कि 1 लाख कुछ वैकेंसी सफाई कर्मी को हुई, ढेर सिपाही की भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, ढेर सारी ऐसी वैकेंसी 1 लाख की भर्ती हुई, बीजेपी सरकार में एक भी भर्ती की नहीं हो पाई है, खाली पेपर लीक आउट हुआ है सर। देख रहे हैं बहन कुमारी मायावती का हेलीकॉप्टर आ चुका है और बहुजन समाज पार्टी में लोग रोके नहीं रुक रहे, आप देख रहे हैं उत्साह, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का आप उत्साह देख रहे हैं, कितनी महिलाएं आप देख रहे हैं बच्चों को गोद में लेकर के, इतनी गर्मी में बच्चों को गोद में लेकर के आई हुई है। क्यों आए हैं यहाँ? अरे यहाँ सब उनको जिताना है, हम लोग को बहन जी को जिताना है। किसको वोट देंगे आप? हाथी को। हाथी को? हाँ। कैंडिडेट कौन है आपको पता है? कैंडिडेट का तो पता नहीं है, पता नहीं है, पर वोट हाथी को देंगे। आप देख रहे हैं बहन कुमारी मायावती का हेलीकॉप्टर आ चुका है, ये ग्राउंड के ऊपर 2 चक्कर लगा करके बहन जी आ चुकी हैं, लोग हाथ ला करके अभिवादन कर रहे हैं बहन जी का, सारे लोग ग्राउंड में बहुत उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, हाथ हिला करके बहन जी का अभिवादन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर नीले रंग का बहन जी का आ चुका है, रैली ग्राउंड का जो स्थल है रैली का उसके चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर लगा करके बहन कुमारी मायावती सबसे मिल करके हेलीकॉप्टर उतरेगा बहन जी का, हेलीकॉप्टर अभी उतरने वाला है, अभी हेलीकॉप्टर उतरने वाला है बहन कुमारी मायावती जी का, आप देख रहे हैं ये चक्कर लगा करके बहन जी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड की तरफ बढ़ रहा है तेजी से, और सारे लोग रैली पे झंडे लेकर के हेलीपैड स्थल की तरफ सारे लोग भाग रहे हैं तेजी से, आप देख रहे हैं झंडे लेकर के हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं, और बहन जी उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा रैली स्थल के 2 चक्कर लगाने के बाद उतरती हैं ताकि बहुजन समाज के लोग अपने नेता को हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए देख सकें। आप देख रहे हैं 2 चक्कर बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा है, और हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने के बाद हेलीपैड पर उतरेगा, हेलीपैड पर यहाँ धुआं छोड़ दिया गया है, उसका सिग्नल है, धुआं उड़ रहा है, जहाँ से उतरेगा हेलीकॉप्टर बहन जी का वहाँ पर धुआं छोड़ करके इशारा किया जा रहा है उतरने के लिए। हेलीकॉप्टर 2 चक्कर लगा चुका है और अभी उतरने वाला है, कुछ ही क्षणों में उतरने वाला है हेलीकॉप्टर बहन कुमारी मायावती का। बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग हेलीकॉप्टर की एक झलक देखने के लिए भीड़ में किस तरीके से दीवाने हो रहे हैं आप देख सकते हैं, बहन जी को उतरते हुए एक झलक देखने के लिए बहुजन समाज के लोग घंटों से यहां धूप में खड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर उतर चुका है, धूल उड़ रही है और बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, चारों तरफ ये ग्राउंड भरा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक सर्व समाज के लोग आप यहां देख रहे हैं, झंडे लेकर के दौड़ते हुए आ रहे हैं बहन जी की एक झलक देखने के लिए, दीवाने हो रहे हैं बहुजन समाज के लोग अपनी नेता की एक झलक देखने के लिए। आप देख रहे हैं कितना हुजूम इधर उमड़ पड़ा है, हेलीपैड के चारों तरफ पैर रखने की जगह नहीं है, भागे भागे कार्यकर्ता सब जगह से दौड़ करके आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर अभी उतर चुका है, लैंड हो चुका है, अभी उसका बंद होने वाला है, सिक्योरिटी के सारे गाड़ियां और लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुके हैं। आप देखिए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हो गया, सभी लोग जो है अभी भी दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से यहां धूप में खड़े हुए हैं हेलीकॉप्टर के चारों तरफ। बहन जी अभी निकलेंगी, गाड़ी में बैठ के जाएंगी, जैसे जैसे पता लगता जा रहा है लोगों को ढोल नगाड़े के साथ में आए हुए हैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक।
तमाम सारे ढोल बजाने की आवाज़ आ रही है, नाचते गाते हुए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी झूमते नाचते गाते हुए रैली स्थल के चारों तरफ मौजूद हैं। जितना अंदर पंडाल में लोग बैठे हुए हैं उससे कम से कम 10 गुना 20 गुना लोग मैदान में घूम रहे हैं, और ये सब लोग अपने पैरों पर चल के आए हैं, कोई बिना पैसे लिए सब आए हैं, किसी ने कोई एक नया पैसा नहीं लिया है आने के लिए। आप देख रहे हैं बहन जी का हेलीकॉप्टर आ चुका है, बहन जी उतर चुकी हैं हेलीपैड से, अब सब लोग बहन जी के एक झलक पाने के लिए रैली स्थल की तरफ आ रहे हैं, हेलीपैड से रैली स्थल की तरफ आ रहे हैं। बहन जी कुछ ही क्षणों में मंच पर पहुंचने वाली हैं, और सारे समर्थक बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती के दीवाने आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहित हैं, लगातार अब मंच की तरफ आ रहे हैं, पंडाल की तरफ दौड़ रहे हैं। बहन जी कुछ ही क्षणों में अभी मंच पर पहुंचने वाली हैं। कितने सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, लगातार हुजूम उमड़ा हुआ है, ऐसा नजारा शायद किसी रैली में नहीं होगा जितना यहाँ। और बहुजन समाज पार्टी में लोग रोके नहीं रुक रहे, आप देख रहे हैं उत्साह, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का आप उत्साह देख रहे हैं। कितनी महिलाएं आप देख रहे हैं बच्चों को गोद में लेकर के, इतनी गर्मी में बच्चों को गोद में लेकर के आई हुई हैं। आप कहां से आए हैं? बड़ी बाजार से। क्यों आए हैं यहाँ? अरे यहाँ सब जिताना है हम लोग को, बहन जी को जिताना है। किसको वोट देंगे आप? हाथी को। कैंडिडेट कौन है आपको पता है? कैंडिडेट का तो पता नहीं है, पर वोट हाथी को देंगे। क्यों आए हैं आप, पदाधिकारी या बहुजन समाज पार्टी के? बहुजन हम वोटर हैं। तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी क्या? बहुजन समाज की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज ऐसी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है, उनका जो जितना बढ़िया कार्य था वो शायद ही कोई कर पाएगा। इधर बीजेपी वाले कह रहे हैं उन्होंने बहुत विकास किया है, योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है आपका? वैसे जो मायावती कर दिया वो बीजेपी नहीं कर पाएगी, बीजेपी तो दे रही है राशन, बाकी तो गरीबों का चमड़ा उखल करके गरीबों को ही दे रही है। मायावती ने क्या दिया था ऐसा आपको? बहुत दिया, कॉलोनी दिया, सड़क दिया है, और सबको नौकरी दिया। और ये बीजेपी ने क्या नौकरी दिया? कोई नौकरी नहीं दिया किसी गरीबों को, कोई नौकरी नहीं दिया गरीबों को, नौकरी नहीं दिया बीजेपी ने। सबसे बढ़िया लाइन आर्डर जो कि 1 लाख कुछ है वैकेंसी सफाई कर्मी को हुई, ढेर सिपाही की भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, ढेर सारी ऐसे बैकलाग की भर्ती हुई, बीजेपी सरकार में एक भी भर्ती की नहीं हो पाई है, खाली पेपर लीक आउट हुआ है सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप
छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए?